ओम शांति। 21 मार्च के शुरुआत में आप सबका स्वागत है। निमित्त और निर्माण, निमित्त मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा करा रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हों, मुख की सेवा कर रहे हों, संकल्प की सेवा कर रहे हों, चाहे हम हाथ पैर से सेवा कर रहे हों, कुछ बना रहे हों, हर चीज़ में निमित्त और निर्माण मतलब कि हम्बल, बिल्कुल नम्रचित। तो परमात्मा कहते हैं निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले परमात्मा पिता भी निमित्त और निर्माण की शिक्षा ब्रह्मा बाबा को भी देते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने भी निमित्त और निर्माण की शिक्षा को अपनाया। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। निर्माणता मतलब ह्यूमिलिटी। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव, एकदम नम्र होना, और निमित्त, मेरा आइडिया नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरी इंटेलिजेंस नहीं, परमात्मा की। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। अगर थकावट हो रही है, इसको मतलब हम अपनी बुद्धि चला रहे हैं कि मैं करके दिखाता हूँ, मेरे को पता है कैसे करना है, मेरे को ठीक करना आता है, और वहाँ थकावट होती है, इसका मतलब हमने परमात्मा की मदद नहीं ली। मेरे साथ भी होता है, औरों के साथ भी होता है। यहाँ पर हमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है स्वचिंतन करके। कोई भी सेवा मिले लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कोई भी सेवा मिले, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, तो निमित्त और नम्र। तो अगर हम धन की सेवा करते हैं, अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, तो हम और को सुनाते रहेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर हमारे पास में तन की सेवा मिलती है, कुछ किया, डिज़ाइन बनाया अपने सेवा के लिए, स्टेज तैयार किया, आप कहें देखो मेरा आइडिया था, या किसी ने आपकी अगर महिमा नहीं करी तो आप अंदर से वेट कर रहे हो कि कोई तो महिमा करे, तो ये भी निमित्त भाव नहीं हुआ और निर्माण भाव नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओम शांति।